পয়সা দেওয়া নেওয়া হয়ে গেছে আর একবার খাও তাহলে তোমার ঘুমটা দেবো। তুমি কথাটা কেন ফেললে? 10 টাকাও ফেরত দিয়েছো তুমি। হ্যাঁ আমি 20 বার খেয়েছিলাম। যতক্ষণ খেতে পারবেন 10 বার 20 বার 30 বার যতক্ষণ খেতে পারবেন। চারবার নিয়েছি, চারবার ভালো ভালো লাগে। আমি মেদিনীপুর থেকে এসেছি, কোনো ভাবতেই পারছি না। আর এরকম লোক যে এখনো পশ্চিমবাংলা আছে, আমার ভাবতে খুব গর্ব লাগে যে আমি বাঙালি। মাত্র 10 টাকায় ভরপেট ঘুগনি মাতিয়ে রেখেছেন সোনারপুরের মহাদেব মন্ডল। দেখি তোমার হাতটা দেখি, জানি না কি বলবো, মনে রেখো। মিলে আঙ্কল কা ব্যবহার ইতনা আচ্ছা হ্যায়, বিহেভিয়ার ইতনা আচ্ছা হ্যায়, মুঝে বহুত আচ্ছা লাগা মিলকে। আঙ্কল বোলনে সে সেলিব্রিটি হ্যায়। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं सैम लोडी चैनल। तो गाइस आज गाइस फिर से निकल चुके हैं, कहाँ जाने लगे गाइस? घूमने गाइस से मिलने के लिए। करीब अभी 6:30 बजता होगा, तो हम लोग अभी यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। और गाइस मैं क्या बताया गाइस, मैं काकू से मिलने के लिए मतलब इतना एक्साइटेड है हम लोग कि सुबह सुबह निकले हैं ताकि मतलब काकू से आज मिल पाए। हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ भी है, वो भी जा रही है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसे ऑल करना, क्योंकि मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स लाते रहता हूँ, उसके लोग सबसे पहले मिल जाए। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम जाने वाला गुरु गाड़ी के पास, वहाँ पे हम दो जन जा रहे हैं, मैं और मेरा वाइफ। बट नहीं गाइस, और दो ये लोग हैं, फिर दो जन जाएंगे, ठीक है? तो दो और बढ़ के मतलब हम लोग 4 जन जा रहे हैं। तो जा रहे हैं अभी, ट्रेन में बैठ रहे हैं, ट्रेन कब तक ले आती है। और पहला बात गाइस, वहाँ पे जाके हम लोग सबसे पहले काकू से अपने मैंने वहाँ के जो टाइम है वो पूछेंगे, क्योंकि पिछले बार हम लोग गए थे वहाँ पर 11:30 बजे था। इस बार हम लोग जल्दी निकले हैं, साथ बैठे भी होंगे तो आज तो पक्का मिलना ही मिलना है। मतलब आज आज काकू से मिलते ही बस घूमने खाना तो बहाना है, बस काकू से मिलने जाना है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। फाइनली गाइस हम लोग हावड़ा आ चुके हैं, अब यहाँ से बस पकड़ेंगे। तो गाइस कौन सा नंबर बस होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं बस के स्टैंड की तरफ, तो चलिए चलते हैं और बताएंगे आप लोग कौन सा नंबर बस है। तो फाइनली गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बस पी जाती है वो बस का नंबर है 212 नंबर। तो ये रहा ये बस, तो अभी इसमें उठेंगे और आप डायरेक्ट लोग गए सब लोगों वहाँ उतर के मिलते हैं, ठीक है? चलिए गाइस उतरते पहले बस में। अभी हम लोग बस में उठ चुके हैं, अब देखते हैं बस कब तक छोड़ेगी, क्योंकि आगे बंद काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो बड़े बने रहना, इसकी मत करना। A few moments later. चल अभी हम लोग बस से यहाँ उतरे हैं, तो मैंने पीजे हम लोग हॉस्पिटल मैंने यहाँ पे नहीं आ गया है, तो अभी हम लोग यहाँ चलना पड़ेगा। जगह गाइस कौन सा पता नहीं चल रहा है, ये कौन सा जगह है? एक्सैक्ट मोड़ है। थैंक यू। तो गाइस मैं आप लोग बता दूँ कि ये एक्सैक्ट मोड़ है, तो आपको बस यहीं पर उतारेगी और आपको जाना पड़ेगा उस पार। तो हम लोग जाएंगे और आप लोग दिखाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ उतरे हैं बस से, ये एक्सैक्ट मोड़ है, ठीक है? बारह बता देता हूँ हम लोग। तो भाई देखिए गाइस ये रहा काकू। तो फाइनली हमें पहुँच गए काकू के पास, तो ये काकू है। मतलब नेक्स्ट संडे आए थे गाइस, बता दें हम लोगों को गाइस, जब हम लोग जब नेक्स्ट संडे आए थे गाइस तो मेरे काकू यहाँ नहीं था, तो हम लोग को मैंने ऐसे वापस जाना पड़ा घर, तो मूड ऐसे ऑफ हो गया था। बस इस बार हम लोग जो बोला आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पर आएँगे काकू को मिलने और आज मिल के ही जाएँगे, तो फाइनली गाइस काकू, तो ये रहा काकू, फाइनली हम लोग मिल चुके हैं। और गाइस सबसे ज़्यादा एक्साइटेड पता कौन है? जो मेरी वाइफ है ये एक्साइटेड है, क्योंकि ये बोल रही थी कि काकू को हम लोग यूट्यूब में देखे हैं, तो जब मैंने सामने से देखेगी तो कैसे लगेगा? तो कैसे लग रहा देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार माँ, मैंने आपने देखा जो बोलते हमें आज 22 दिन पर इसे हमारे शरीर भलो छो ना, ठंडा लेके गेलो तर बोले तुम्हें कदम जेव ना, एक मास मत घरे थको। तो माँ 22 दिन पर आज के एलम और रविवार आसी ना गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को काकू का टाइम पूछ, मेरा टाइम जो है वो टाइम कितना है मैं पहले सबसे पहले टाइम पूछूंगा, क्योंकि जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने हम आया था तो मैंने जो काकू से जो भेंट नहीं हुआ था तो चल गया वापस जाना पड़ा था। सबसे पहले टाइम पूछेंगे, उसके बाद हम लोग काकू से बात करेंगे। काकू सबसे पहले तुम इन्हें टाइम बोला नहीं बाबा, हम यही 6টার মধ্যে এসে যাই, সোনারপুর থেকে তো অনেক দূরের রাস্তা, 6টার মধ্যে এসে যাই। হ্যাঁ এসে যাই আর তবে অফিস এর দশ করিয়ে দাও, ভাই অফিস এর দশ করিয়ে দাও। হ্যাঁ 9টা 10টার দিকে আবার পালিয়ে যাই, রবিবার আসি না।
गाइस काकू को मानना है कि काकू मतलब यहाँ पर संडे को नहीं बैठते हैं, आज बैठे हैं, तो स्पेशली मैं समझ सकते हैं आप लोग की मतलब हम लोग जो सोच के आया था कि आज काकू से मतलब भेंट करने ही करना है, तो काकू फाइनली आज संडे को हम लोग के लिए है मात्र 10 टका भोर पेट घुगनी माथिए रेखेछेन सोनारपुरे महादेव मंडल ওই ছোট লেখাটা একটু পড়ে দেখো দক্ষিণ 24 পরগনা 10 টাকা যত খুশি খাও এর সঙ্গে উপরি বাচ্চা ও বয়স্কদের লাগবে না কোনো টাকা तो जैसे कि अंकल बताया कि बच्चा और जो दो इंसान रहेंगे तो पैसा नहीं लगेगा और ऐसे आप 10 रुपए में मतलब पेट भर के आप खा सकते हैं। हॉस्पिटल अनेक लाख लाख लोग आसे तो तब बाबा हटात हो तो कारो टाका चुरी गेलो छेलेटार टाका चुरी गेलो आमी किन्तु एई मंगल चाइबो ना बाबाटा टाका चुरी हो जाक आगुने 30 किलोमीटर रास्ता दूर थेके एसेछे खाबे कि बाड़ी जाबे किभाबे मतलब काकू मतलब भले हम लोग मैंने अपनी घूमने का बहाना हम लोग काकू से मिलने आए थे तो 10 रुपए घूमने से बड़ा बात नहीं, पर काकू क्या 10 रुपए घूमने दे रहे हो भी क्या अनलिमिटेड मतलब पेट भर के खाओ ठीक है जो जितना खा पाएगा और हाँ काकू की जो 10 प्लेट खा लेगा ना गाइस तो उसका 10 रुपए देना नहीं पड़ेगा ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे तो फिर संडे आया था तो वैसे देखा नहीं पर मिलने गए काकू से अच्छा लगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं ये देखने के लिए काकू जो वीडियो बना रही इसलिए तो फाइनल जब हम लोग आए थे तो कोई नहीं था। काकू जो है वो आते हैं सोनारपुर से और उसको वहाँ से आने में 2 घंटा लगता है अभी का साइकिल ट्रैवल करके ठीक है साइकिल से आते हैं 2 घंटा लग जाता है सोनारपुर से और काकू का नाम भूल गए काकू एक मिनट नाम बोले बाबा हमारा नाम महादेव मुंडू महादेव मुंडू कोर्ट का छीड़े गए कदम বাবু 10 টাকার ঘুগনি হচ্ছে কি আমার কাছে কিনবো বলে এসেছে আমি বলি বাবা তুমি তুমি বলো আর কি বলবো কিনবো বলে এসেছি 10 টাকার প্রথমে প্যাক করে দিলো দিয়ে তারপরে আমাকে 2 প্লেট আবার এক্সট্রা বললো যে তুমি খাও এখানে আজ কাকু যে অ্যাডমিট দিতে হ্যাঁ বাদ সচে গাইস তো আমরা তো ইয়াপে থে নেই তো ইয়ে কাফি সারে লোক থে ইয়ে লোক থে তো ইয়ে লোক খায় ইয়াঁ পে তো লোক বতা রহে হ্যায় কি কাকু সচ মে দেতা হ্যায় আয়া তো ঘুগনি খায়েঙ্গে জরুর গাইস এসে নেই যায়েঙ্গে আর যদি এই ঘুগনিটা পেট ভর্তি করে খেয়ে যাও সারা জীবন তোমাদের ঘর ভরা থাকবে আর জীবনে পেটের প্রবলেম হবে না যত পারো খাও যতক্ষণ খেতে পারবে যে थैंक यू। तो ये रहा हमारा घुगनी अब ये सब खाएंगे हाथ जाके जानो माँ जो बच्चा कोई कीने का पैसा था कम पा लेना कहीं वाले तो हाँ क्या नाम ये समझ मस्त सूरज कम लग चुके वही सबका तो खाना हो गया सबका तो खाना हो गया सूरज खा ली मेरी वाइफ भी खा ली छोटू भी खा ली अब बारी मेरा बारी है तो रहा बात क्या घुगनी से मिलता है आप लोगों को नॉर्मल तो अभी खाए नहीं ट्राई करते हैं तो मिलता है नॉर्मल मिलता है ना तो वैसे ही है बट यहाँ पे क्या बोल दिया एक चीज़ में खास है कि मैं 10 रुपये घुगनी समझ सकते हैं 10 रुपये घुगनी पेट भर के खा और अगर आप अगर 10 प्लेट खा लेते हैं तो आपको 10 रुपये देना नहीं पड़ेगा ऐसा कोई होगा जो 10 प्लेट खा के 10 रुपये नहीं देगा सभी देगा क्योंकि काकू का जो मैंने यहाँ का आगे गए इतना अच्छा व्यवहार लगा मुझे देख के और काफ़ी अच्छा लगा तो खाते घुगनी और आप लोग से खा के मिलते हैं तो ये घुगनी चले खाते हैं आगे सप्ताह ऐसे माँ हमें तो अन्नपूर्णा के मुझे देखी तुम्हारा हाथ का देखी जानी ना कि बोलबो मने रेखो सुखे दुखे জীবনে মরণে মা অন্নপূর্ণা তোমাকে এটা দিয়েছে কে কেমন উঠছে তোমার দেখার দরকার নেই এখন ভয়ঙ্কর দিন এসছে তাই না চাকরি বাকরি নেই তাহলে নিজের চলার পথটা ঠিক করতে হবে মা অন্নপূর্ণা তোমার কৃপা দৃষ্টি করবে अंकल जो ये पैसे दिए हैं जो जो आए हैं वो लोग को पता होगा जो लोग को मिला है तो आज दिए हैं अन्नपूर्णा माँ का नाम है तो मैं बहुत खुश हूँ कि अंकल से मिले अंकल का व्यवहार इतना अच्छा है बिहेवियर इतना अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके पता नहीं क्या बोलेंगे पर मेरे मन में बहुत मतलब बोल नहीं सकते हम तो बहुत एक्साइटेड है और अंकल बोलने से सेलिब्रिटी है गाइस अगर देखा जाए तो जो काकू है घूमने को नहीं है एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जो मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं गाइस गाइस मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि काकू को मैंने काकू बोल रहे थे कि काकू का मैंने स्थायी रूप से मैंने जगह नहीं है तो इसे काकू का मतलब यहाँ पर टाइम के अलावा मैंने टाइम होने से यहाँ से हटा दिया जाता है तो काकू मतलब इतना सारा सामान लेके आप दिखा दिए दिखाइए
इतना सा सामान लेगा गाइस, मतलब यहाँ से मतलब हटना मतलब काफ़ी मुश्किल है गाइस। तो काकू कभी कभी देखे वीडियो में देखे आप लोगों को काकू काकू कभी उधर ही बैठते हैं उधर जी जो तक खेते वाले 10 टका। तो मैं चाहता हूँ काकू, मैंने चाहता हूँ आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि सबको पता चले कि काकू यहाँ पर बैठता है और काकू का एक मैंने स्थायी रूप से एक जगह चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वीडियो शेयर करना और काकू को सपोर्ट करना, काकू का एक साइड जगह मिल जाए और काकू मैंने आराम से बैठ के यहाँ पर बेच सके। पेट वैसे हमारा खाना जो है घूमी खाना वो कम्प्लीट हो गया, तो मैं सारा खा लिए और जो मेरी वाइफ जो है वो दो बार ली ना, मजा आ रहा ना, अच्छा लगा। बाबू जो तक छिल ना तक तुम पेट भर्ती खेजो पे कि ना तर जो बोलो क्या जिज्ञेस कर তুমি পয়সা দেওয়া হয়ে গেছে আর একবার খাও তাহলে তোমার ঘুমটা দেবো। তুমি কথাটা কেন ফেললে? আমি তোমার তো ফেলতে ফেলতে মানা করেছি যে যতক্ষণ খেতে পারবে। এইটা কিন্তু তুমি খারাপ করলে, আমি একটা কথা বলছি তার সঙ্গে সঙ্গে তো পাতা ফেললে, তোমার তো বলেছি না যতক্ষণ খেতে পারবে তোমাকে দেব। गाइस मतलब यहाँ पे आके गाइस काफ़ी अच्छा लगा गाइस, 10 रुपये का घूमने लेने आ रहे पार्सल करने के लिए, इसका पैसा ले रहे हैं, उसको खिला भी रहे हैं, बस उसका पार्सल भी दे रहे हैं, 10 रुपये में समझ सकते हैं कितना कुछ। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना और हाँ गाइस शेयर जरूर करना, क्योंकि जो काकू है गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा जाए तो मैं समाज सेवा ही कर रहे हो। चार बार আরো খেতে বলছে কিন্তু আমি সকালবেলা খেয়ে বেরিয়েছি, এইমাত্র আধ ঘন্টা খেয়ে বেরিয়েছি। তোমার সঙ্গে দুটো বাচ্চা দুটো বয়স্ক 5 জনে 10 টাকা যত খেতে পারে, বাচ্চা বয়স্ক থাকলে নিয়ে আসবে তাদের পয়সা লাগবে না, তাদের সব ছাড়। কিসে কেরাম গেস্ট ভালো দারুন সাধারণ জবাব নেই। আর এইরকম লোক যে এখনো পশ্চিমবাংলা আছে আমার ভাবতে খুব গর্ব লাগে যে আমি বাঙালি। গাইস এখানকার যে এক্সাক্ট গাইস এখানকার যে লোকেশন ও হে পিজু হসপিটাল ইমার্জেন্সি গেট কে মানে ঠিক দাইনে তরফ। কাকু ওহাঁ পে বেঠতে ও ভি টাইম সে বেঠতে হ্যায়, মতলব জো কাকু কা যে টাইম হ্যায় ও সুবহ 6 বজে সে 9 বজে তক আর 1 বজে সে কিতনা জব তক উসকো জো ঘুমনি রহতা হ্যায় ও তব তক। মানে উসকো স্থায়ী রূপ সে এক জগহ নেই হ্যায় কি মানে জব কোই আতা ভি খানে কে লিয়ে তো উসে মানে ওহাঁ পে টাইম সে নেই আতে হ্যায় तो वहाँ पे काकू को खोज के नहीं पाएंगे, तो यही सिर्फ बहुत दिक्कत लगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो काकू इस टाइम मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 10 रुपये में पेट भर के जो घूमने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस टाइम में मतलब ये चीज़ नहीं होता है। गाइस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आइए और 10 रुपये की घूनी खाई पेट भर के अनलिमिटेड। तो चलिए गाइस आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हाँ गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन को सॉल्व करना, क्योंकि मैं 6 रुपये लाते रहता हूँ आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाए। चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए टाटा और बाय बाय।